गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एज यू नो, वी हैव सॉल्वड आर एक्सरसाइज 2.2 इन आर प्रीवियस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर एक्सरसाइज 2.3 इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट आर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ। अब हमें क्या है, 1/1 हमें इनको सॉल्व करना है। ओके तो आप देख सकते हैं, हमें इसी डिजिट को इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो क्या है, देखो देखो क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 3/5, 1/4 ऑफ 4/3। ये थ्री क्वेश्चन है, फर्स्ट के थ्री पार्ट हैं आपके, फर्स्ट का ए बी सी। ओके देखो कैसे करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वाला, बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, 2.2 का फिफ्थ वाले की तरह। ओके देखो क्या है, क्वेश्चन है 1/4 ऑफ, फर्स्ट का ए कर रहे हैं बेटा। ओके 1/4 ऑफ 1/4, ठीक है, करके देखते हैं कैसे होता है। ओके तो आप क्या करेंगे, ऑफ को हटा के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई साइन अप्लाई कर देते हैं। तो 1/4 इंटू 1/4 क्या हो गया, 1/16। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं वही 1/4 आपको यूज़ करना है ऑफ क्या है आपके 3/5। ओके 3/5 का यूज़ करना है। देखो कैसे करते हैं 3/5, अब आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे 1/4 तो एज इट इज रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/5, तो दिस इज 3/20। ओके इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप थर्ड वाला सेल्फ लिए ट्राई करेंगे, जो आपका सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आप ट्राई करेंगे। देखो 1/7 ऑफ 2/9, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस्ड टू लोवेस्ट फॉर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें पहले तो मल्टीप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन में कर देता हूँ आपके, चलो ये कर लेते हैं, इसको पहले इम्प्रॉपर से मैं भी चेंज करना है, 2/3 इंटू 2/3। ओके दिस इज़ योर क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 3 × 6 6 2 8/3। आप क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बी 16/9। ओके 16/9 हो गया है। अब आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसको कट भी करना है, सॉरी इसको मिक्स्ड फॉर्म में भी चेंज करना है। ठीक है, आप चाहो तो मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करो, पहले हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब आप बताओ इनमें से कट हो रहा है क्या, कोई किसी कॉमन डिजिट से कट होता है, नहीं होता। वाई, ये 2 से कट हो रहा है, 3 से नहीं, 2 से ये नहीं होता, ये 3 से कट होता है, ये नहीं होता, तो कन्फ्यूज़न हो गया। ओके तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे के ऐसे ही मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ तो आएगा 9 और ये आएगा आपके 16, तो 9 × 9 और आपके यहाँ बचेगा क्या, 7। तो आपका आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट, 1/7/9। ये आपका मिक्स्ड फॉर्म में होगा और ये आपका इम्प्रॉपर फॉर्म में होगा। ओके अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं डियर स्टूडेंट, सबको मल्टीप्लाई करके अगर लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर आपको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। ओके अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 2 कॉपी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच इज़ ग्रेटर। अब ग्रेटर के लिए बता दूं, आपकी कुछ कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। देखो अब ये ऑफ में दे रखा है तो पहले इनको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे। तो चलो करो, तो 2/7 इंटू 3/4 क्या हो गया, ये 6/28 और ये होगा आपके 3/5 इंटू 5/8। ओके तो ये हो गया आपके 15/40। ओके
ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी पैटर्न है। ओके, अब देखो क्या करना है हमें, इनको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। अब अगर ये कट हो रहे हैं तो कट कर दो, ये 2 से कट हो रहा है तो ये 3 टाइम कट हो रहा है और ये 14 टाइम कट हो रहा है। ओके, और ये हैं आपके, ये आपके 5 से कट हो रहे हैं, ये आपके 3 टाइम कट हो रहा है, ये आपके 8 टाइम कट हो रहा है। ओके, तो आपने देखा कि ये हो गया आपके 3/14 और ये हो गया आपके 3/8। ओके, अब आपको लग रहा है कि इनका नोमिनेटर तो सेम है लेकिन नोमिनेटर से काम नहीं चलता। हमें अगर कभी भी इनको बताना है कि कौन सी लोवेस्ट है कौन सी स्मॉलेस्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो अब क्या करें, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 14/8 का, 2×7, 4×7, 2×7, 1 और ये 7 मल्टीप्लाई करो, 7×2=14, 14×2=28, 28×2=48। ओके, इट मीन्स 48 ऐसी टर्म है जो इन दोनों की टेबल में आती है। ओके, तो हमें इन दोनों को 48 में चेंज करना है। अब आप बताओ इस 14 को आप 48 में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 4 से मल्टीप्लाई नोमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 48 में चेंज करना है 8 को, तो आप क्या करेंगे बताओ डियर स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कोई कॉमन डिजिट हमें बनानी है। ओके, तो आप देखेंगे कि ये तो हो गया आपके 12/56 और ये हो गया आपके 21/56। ओके, तो अब 56 हो गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि दोनों में से किसका नोमिनेटर बड़ा है। देखो 21 बिगर है तो आपके ये वाली डिजिट क्या हो जाएगी, बिगर हो जाएगी, है ना। 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो बिगर होगा इसके आंसर से। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन द रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। ओके, तो हमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखो आप सोचो, आपने एक प्लांटिंग करी, एक के बीच में दूसरे की डिस्टेंस 3/4 meter है। ओके, अब 4 हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक है, तो आपको ये सारी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो 1, 2 और 3 यानी 3 टाइम है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, करके देखते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन दो प्लांट के बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, 3/4 meter। ठीक है, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लांट 4 प्लांट है, तो हमें स्टार्टिंग प्लांट की और लास्ट वाले प्लांट की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट प्लांट क्या होगी, आप 3/4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आपका आंसर आएगा 9/4 meter। ओके, मैंने आपको समझाई दिया है क्यों होगा 9/4। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। लिपिका रीड्स अ बुक 4/3/4 hour every day, शी रीड्स एंटायर बुक्स इन 6 days,
हाउ मेनी आर ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर रीड द बुक। क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक दिन में इतने घंटे पढ़ती है, इतने आवर्स पढ़ती है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 डेज लग रहे हैं उसको। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको न्यूमिनेटर में चेंज करेंगे और फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ट्राई करें डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन, और अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क टू मी। ओके, एंड आई विल ऑल्सो सेंड द PDF ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर। तो वो क्या है, वो कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ओके, इतने लीटर पेट्रोल में, यानी 1 लीटर में तो इतना डिस्टेंस कवर करती है, और इतने पेट्रोल में क्या करोगे आप, पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करोगे और फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर भी अगर नहीं आता है डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 2/3 है। अब ये 2 अगर 10 में चेंज करना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से तो करोगे ना यहाँ पे 5, ओके। और अगर आप इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 10 को 30 में चेंज करोगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आया आपका आंसर, 5/10। ओके, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेंड, जो आपका ये नंबर था इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2, हमने 5 से कट कर दिया है, ठीक है। मैं इधर बता देता हूँ क्या है आपका, 2/3 इंटू हमें ये बॉक्स में फिल करना है, इक्वल टू 10/30 है। देखो 2 को आपको 10 में चेंज करना है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को आपको 30 में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो क्या है आपके ये वाले बॉक्स में, और हमें क्या करना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो आप क्या करो 5/10 को कट करो, तो क्या आया 1/2। ओके डियर स्टूडेंट, इस टाइप से हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और आप क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है आप ट्राई करो, ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आता है तो यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।